नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मेट्रो ट्रेन के बारे में। मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होती है और यह कैसे भारत में इसका परिचालन शुरू किया जाता है। मेट्रो सबसे पहली बात कहते किसको है। मेट्रो जब भूमि के सतह के अंदर खुदाई करके सुरंग बना दिया जाता है और उस सुरंग के अंदर पटरी बिछा कर जब ट्रेन चलाई जाती है, उसे ही हम लोग मेट्रो ट्रेन कहते हैं। मेट्रो ट्रेन की शुरुआत उस शहर में किया गया सबसे पहले जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक थी, जहाँ के लोग सबसे ज्यादा व्यापार करने में यकीन रखते थे, यानी कि लंदन शहर। लंदन में 1855 ईस्वी में एक रेल समिति का गठन किया गया और 1863 ईस्वी में पहली बार मेट्रो ट्रेन चलाई गई, जो कि पैडिंगटन से फेरिंगटन तक चली थी। इसमें करीब 40,000 यात्री सफर किए थे पहली बार जब मेट्रो ट्रेन चला। यह जो मेट्रो ट्रेन चली, यह वाष्प इंजन के द्वारा चलाया गया था। और जब वाष्प इंजन भूमि के पहली बार जो यह मेट्रो ट्रेन चलाई गई, यह वाष्प इंजन के द्वारा चलाया गया था। वाष्प इंजन चलने के कारण सुरंग के अंदर ज्यादा गर्मी हीट एनर्जी क्रिएट हो जा रहा था। इसके लिए बीच बीच में वेंटिलेशन दिया गया ताकि भाप बाहर निकल सके। तो सबसे पहले 1905 ईस्वी में विद्युत के द्वारा मेट्रो ट्रेन चलाई गई लंदन में ही। भारत में मेट्रो का परिकल्पना सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने किया था और 1984 ईस्वी में पहली बार भारत में कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन चला, जो दमदम से टॉलीगंज तक चला था। यह करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय की थी। हम बता दें आपको कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर के पार्टी में सम्मिलित थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किए। यह इनके नाम पर आप नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की जो है स्थापना किए थे, ये जो कि काफी पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। खैर, हम भारत के में मेट्रो की बात कर रहे थे। तो पहली बार दमदम से टॉलीगंज तक मेट्रो चला भारत में। हम देख रहे हैं कि मेट्रो के आ जाने से भारत में यात्रा के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सुविधा लोगों को मिला यात्रा करने के लिए। हम इसके बाद देख रहे हैं कि भारतीय रेल जो मेट्रो ट्रेन है, इससे तो भारत में तो मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 में हो जाती है, लेकिन एशिया महादेश में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत जापान में हुई थी। जापान में एक संगठन है जायका। जायका हम बता दें कि जायका जायका जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, यह दूसरे देशों में कॉरपोरेट का कार्य करती है, सहयोग देती है। जैसे भारत में भी कई सारे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत इसी जापान के जायका के द्वारा सहयोग राशि से बनाया गया है। अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मेट्रो का जो नेटवर्क होता है, सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा मेट्रो का नेटवर्क चीन के शंघाई मेट्रो के पास है। शंघाई मेट्रो का नेटवर्क बहुत बड़ा है। कलकत्ता में मेट्रो के शुरू हो जाने के बाद भारत में मेट्रो के लिए काफी तेजी देखने को मिला। फिर इसके बाद पहली बार डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया, जिसमें भारत सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो है कार्य करता है। डीएमआरसी ही पूरे भारत के शहरों में मेट्रो बनाने का कार्य करती है। देख रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़ी लंबी नेटवर्क शंघाई मेट्रो का है, जो कि चीन में स्थित है। भारत में मेट्रो लाने का जो है तेजी से काम 1995 के बाद किया गया, जब डीएमआरसी की स्थापना हो गई। डीएमआरसी क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना 1995 में हुआ था। और इसके बाद भारत में मेट्रो बनने की जो कार्य है वह काफी ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली मेट्रो के जो डायरेक्टर हुए थे उस समय, डायरेक्टर डायरेक्टर उस समय हुए थे श्रीधरन 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 श्रीधरन, यह पलक्कड़ के थे। पलक्कड़ पलक्कड़ कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है पलक्कड़। एक पलक्कड़ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि भोरघाट बम्बई पुणे तरफ के एरिया है, यहाँ एक पाल घाट है, पाल घाट जो कि पलक्कड़ से कोयम्बटूर के
के क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। यह एक दर्रा है, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा दक्षिण भारत के पलक्कड़ और कोयम्बटूर शहरों को जोड़ता है। वही कहते हैं श्रीधरन, इन्हें मेट्रो ट्रेन राष्ट्रीय आय का भी एक साधन माना जाता है। दिल्ली मेट्रो 2019-20 के वित्तीय वर्ष में लगभग 865 करोड़ का आय प्रदान किया था। अगर हम डेली इनकम की बात करें तो मेट्रो ट्रेन की, तो सब मेट्रो ट्रेन का तो अलग अलग रहेगा ही इनकम, लेकिन दिल्ली मेट्रो का अगर हम देखें तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया डेली इनकम है। जो कि भारत में मेट्रो ट्रेन का जो है नेटवर्क काफ़ी बढ़ गया है। अब वर्तमान में अगर मार्च 2023 तक की बात करें तो भारत में मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क करीब 859 किलोमीटर हो गया है। हालांकि बाकी देशों की तुलना में भी यहां अभी कम नेटवर्क है। तो पूरे भारत में इसका हम बात करें तो नेटवर्क हमारा मेट्रो ट्रेन का 859 किलोमीटर है, जिसमें यदि हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है वह 390 किलोमीटर तक हो गया है, जो 286 स्टेशन के साथ में है। यदि हम बात करें पटना मेट्रो की, तो पटना मेट्रो का टोटल नेटवर्क 31-32 किलोमीटर तक है और यह 32 किलोमीटर का निर्माण 2 कॉरिडोर में किया जा रहा है। पहला कॉरिडोर जो कि दानापुर एरिया से लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय जो बस टर्मिनल बनाया गया है वहाँ तक किया जा रहा है, और दूसरा कॉरिडोर में यह पटना जंक्शन के इलाके और गांधी मैदान से लेकर राजेंद्र नगर तक किया जा रहा है। पहले जो कॉरिडोर की स्थापना जो निर्माण किया जा रहा है उसमें 2 लाइन वाली ट्रेन चलने वाली है, 2 लाइन। यदि हम पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना 2019 में किया गया था 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को ही विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हमेशा एग्जाम में यह क्वेश्चन करंट के रूप में पूछते रहता है। तो पटना मेट्रो की स्थापना 2019 में हुआ था। इसके पहले पीएमआरसी का जो है अनुमोदन बिहार में 2011 में ही कर दिया गया था पटना मेट्रो बनाने के लिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 2018 में पहली बार जब बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार उन्होंने राज्य कैबिनेट में इसकी मांग रखी। राज्य कैबिनेट, हम बता दें कि सभी राज्यों में 2 कैबिनेट नहीं होती है, लेकिन बिहार में 2 कैबिनेट है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में टोटल 26 स्टेशन वहाँ होने वाले हैं, जो कि 32 किलोमीटर में यह स्टेशन देखेंगे। 2 कॉरिडोर में बनाया जा रहा है। पहली बार यह लगभग 17 किलोमीटर का जो एरिया बनाया जा रहा है जिसमें टोटल 14 स्टेशन होने वाले हैं, और बाकी जो दूसरा कॉरिडोर बनेगा उसमें करीब 12 स्टेशन होंगे, जो कि 14 लगभग 14.5 किलोमीटर तक का सफर। जो पीएमआरसी का गठन किया गया है इसका जो निर्देशन है वह दिल्ली मेट्रो के द्वारा ही किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो, हम यह देख रहे हैं कि पीएमआरसी का जो गठन 2019 में हुआ है इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखा गया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखे थे 2019 में। जायका ने जो पीएमआरसी की मदद की है, पीएमआरसी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सहायता की है लगभग 5,520 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। तो जायका ने 5,520 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। पटना मेट्रो की शुरुआत लगभग पहला जो कॉरिडोर है वह 2025 तक शुरू हो जाने की संभावना है, और जो दूसरा कॉरिडोर है वह 2 साल और लेट हो सकती है, और ऐसा अनुमानित समय है, इससे बढ़ भी सकता है। एग्जाम के दृष्टि से यह सारे प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है और इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है। बस मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ।